नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्रिकेटर दीपक चाहर की पत्नी जया भारद्वाज को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी और उनके बेटे ने दी है। दरअसल एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी और उनके बेटे ने बिजनेस के नाम पर जया से 10 लाख रुपए लिए थे। बिजनेस शुरू न करने पर जया ने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी। इतना ही नहीं, उनके साथ बदसुलूकी भी की। दीपक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी का कहना है कि मामले से उनका कोई लेना देना नहीं, वह मानहानि का केस करेंगे। क्रिकेटर दीपक चाहर के पिता लोकेंद्र चाहर आगरा के थाना शाहगंज में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि पारीख स्पोर्ट्स एंड शॉप के मालिक ध्रुव पारीख के पिता कमलेश पारीख का जूतों का व्यवसाय है। मेरी बहू जया भारद्वाज ने इनसे पार्टनरशिप के नाम पर लीगल एग्रीमेंट किया था। नेट बैंकिंग के जरिए आरोपियों को 7 अक्टूबर 2022 को 10 लाख रुपए दिए गए। इसके बाद उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने पैसा हड़प लिया। लोकेंद्र चाहर ने शिकायत की है और शिकायत में बताया गया है कि आरोपी कमलेश पारीख हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में राज्य क्रिकेट टीमों के मैनेजर रहे हैं। बेटा ध्रुव पारीख की आगरा में MG रोड पर पारीख स्पोर्ट्स के नाम से फर्म है। पैसा वापस मांगने पर आरोपी अपनी ऊंची पहुंच होने का हवाला देकर धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि आरोपी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और साथ ही जान मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मामले को दर्ज कर थाना हरी पर्वत पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले में पुलिस फर्म के मालिकों को भी जानकारी जुटाने में लग गई है। वहीं हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी कमलेश पारीख ने कहा है कि मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है, बेटे ध्रुव से लेना देना हुआ है, मेरा नाम बेवजह शामिल किया जा रहा है, रुपये को लेकर मेरी लोकेंद्र चाहर और उनके परिवार के किसी भी सदस्य से कोई बात नहीं हुई है। 1 महीने पहले मेरे बेटे ने 5 लाख रुपए लौटा दिए थे, बाकी 5 लाख रुपए भी लौटा देंगे, मगर मुकदमा में मेरा नाम शामिल करने से मेरी मानहानि हुई है, इसको लेकर मैं मानहानि का केस करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि खाते में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, इसका स्टेटमेंट भी है, बाकी के 5 लाख रुपए लौटा दिए हैं। गलत और झूठ मुकदमा कराया गया है, इससे मेरी मानहानि हुई है और दीपक की पत्नी ने 6 महीने पहले मुझसे अपनी शू कंपनी का काम कराया था, मैंने बिना फीस लिए काम किया, मुझे 1 भी रुपया नहीं दिया गया, इसके सबूत मेरे पास हैं। दीपक की पत्नी जया दिल्ली की रहने वाली है। पिछले साल जून में जया और क्रिकेटर दीपक चाहर की शादी हुई थी। चाहर इंडियन प्रीमियर लीग की चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा हैं। चेन्नई ने उन्हें 14 करोड़ रुपए में दोबारा टीम में शामिल किया है। हालांकि दीपक चोट के कारण काफी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं।